नीरव, नीरव बेटा कहाँ हो? नीरव कहाँ हो बेटा? नीरव बेटा भी नहीं, कहाँ चली गई? नीरव, ये मीरा पता नहीं कहाँ चली गई। मीरा नीरव ठीक है। शुक्रिया। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम मेरी शक्ल भी देखोगी। बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। ये देखो कुदरत ने मुझे सजा दे दी। पाए जो भी चल नहीं सकता। हाँ मैं तुम्हारे लायक नहीं था इसीलिए मैंने तुम्हें खो दिया है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मर जाऊंगा, मुझसे बोझ बर्दाश्त नहीं होगा। तुम जानती हो कुदरत ने मुझे क्या सजा दी? मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को मारा था ना, आज हालत ये है। जिंदगी भर औलाद की ख्वाहिश से महरूम हो चुका हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैंने जिंदगी में तुम्हारे साथ कोई एक अच्छा काम किया है तो मैं उसका वास्ता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने कभी तुम्हें कोई बतवा नहीं देखा, नहीं तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा मांगा। जानती हूं कि सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला अल्लाह ताला ही है, लेकिन फिर मैं ये भी जानती हूं कि जब अल्लाह हमारी गलतियों को, हमारी खताओं को माफ कर देता है तो फिर मैं कौन होती हूं जो तुम्हें माफ ना करूं। पर मैंने तुम्हें अल्लाह की रजा की खातिर माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
नीरव, मेरा बेटा, नीरव, तुम यहाँ क्यों सो रही थी? वो मामा, मैं चीजें देखने आई थी, पता नहीं कब आंख लग गई, आई डोंट नो। अच्छा चलो ठीक है, तुम जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। क्या मामा इस तरह घास के बैठी हो? सारे मैं खावर को कभी माफ नहीं करना चाहती थी, खासतौर पर उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, मगर मैंने उसे माफ कर दिया। तुम्हारा जर्फ है कि तुम्हें उसे माफ, तुम्हारी अगर कोई और होता तो कभी माफ नहीं करता। मैंने कभी तुम्हें कोई बतवा नहीं दिखा, नहीं तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा मांगा, लेकिन फिर मैं ये भी जानती हूँ कि जब अल्लाह हमारी गलतियों को, हमारी खताओं को माफ कर देता है तो फिर मैं कौन होती हूँ जो तुम्हें माफ ना करूँ। माँ कहाँ गई? चली गई, माफ कर दिया उसने मुझे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए उसने ऐसा किया। और सारिम भी बहुत अच्छा इंसान है, पता है वो माँ को खुद लेकर आया था यहाँ पर। हाँ, बहुत ही खुश नसीब है कि उसे सारिम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। क्या हालत बना के रखती है कमरे की, कोई चीज ठिकाने पे नहीं होती इसके। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। ये क्या है? मीरब समीर? मेरा कभी मां नहीं बन सकती। मीरब ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी थी, वो अकेली ही इतना बड़ा दुख बर्दाश्त करती रही, किसी को कुछ भी नहीं बताया उसने।
कल रात मीरब माहा के बेबी रूम में अपनी उस महरूमी की वजह से गई थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में यह खुशी कभी नहीं आएगी। वो औलाद की नेमत से महरूम रहेगी। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी जिंदगी से खुशियां पहले ही रूठ चुकी हैं। अब इस दुख को वो तन्हा कैसे बर्दाश्त करेगी? मेरी बेटी इतनी दुखी है और मुझे पता भी नहीं चला। अरे बेटा, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? तुम्हारी ताई परेशान हो रही थी। वो पापा, वो एक्चुअली इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी, घबराहट हो रही थी, तो मैंने कहा पार्क तक ले जाता हूँ। जल्दी में गए थे इसलिए ताई जान को बता नहीं सका। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम माँ को कमरे में ले जाओ, मैं ताई को बता देता हूँ तुम्हारी। ठीक है। मामा, आप यहाँ? मैं तो तुम्हारी माँ हूं ना मीरा, फिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती? मामा, आपको दुखी नहीं करना चाहती थी और अकेले तुम सारा दुख बर्दाश्त करती रही। तुम्हें समीर ने इसी वजह से डिवोर्स किया था ना? पता नहीं मामा, शायद उसको भी मेरी तरह अपनी गलती का एहसास हो गया था और शायद हमारा रिश्ता ही इतना खोखला था कि इतनी आसानी से टूट गया। गलती तुम्हारी नहीं है, मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल रही है। बचपन से लेकर आज तक मैंने माँ को कभी अपनी सगी बेटी नहीं समझा। मैंने माँ के साथ बचपन से जो भी नाइंसाफियां और ज्यादतियां की हैं, उनकी सजा मिल रही है मुझे। उसके नसीब की खुशियां भी छीन छीन कर तुम्हारी झोली में डालना चाहिए, लेकिन तुम्हें कोई सुख नहीं दे सके मेरा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कोई सुख। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे मुझे याद था, कल मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था फोन पर। हम कल चक्कर लगा लेंगे आपकी तरफ। जी ठीक है। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। थैंक यू। मामा, मामा आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, बस ऐसे ही सर में दर्द हो रहा था। नहीं, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप जाकर रूम में रेस्ट करें, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ और साथ में सरदर्द की दवा भी। बस करो बेटा, आप जाओ। अब तुम भी। आपके सर दर्द में कुछ आराम आया? पहले से काफी बेहतर है। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो।
थैंक यू मम्मी. बेटा, जब माँ बाप अपने बच्चों को दुआएं देते हैं ना, तो उन्हें आगे से बच्चे थैंक यू नहीं करते. जाओ अब जाके रेस्ट करो. आप भी रेस्ट कीजिए. सारे मामा बहुत बदल गई हैं. माँ अक्सर वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं. इंसान के रवैये में अगर तब्दीली आई भी हो तो उसका मतलब यह है कि उसकी सोच बदल गई है. आई होप ताईजान की सोच भी बदल गई हो. लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत उदास लगी, जैसे बहुत परेशान हो या बहुत रोई भी हो. इसमें टेंशन वाली क्या बात है, मीरब की वजह से होंगे. जानती तो हो तुम उसको अच्छे तरीके से. आए दिन कोई ना कोई नई टेंशन क्रिएट करके रखती. कम अज कम तुम परेशान मत हो. मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल रही है. मैंने माहा के साथ बचपन से जो भी नाइंसाफियां और ज्यादतियां की हैं, उनकी सजा मिल रही है मुझे.